मालवीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय बहन जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए मंच पर अपना वक्तव्य रखें। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। देखो जहां अनुशासन नहीं होता वहां शासन नहीं होता, ये बात मैं मध्य प्रदेश में नहीं हर जगह कहता हूँ। और शासन बनाना बहुत ज्यादा, अनुशासन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि हम अनुशासन बनाने में नाकामयाब होते हैं, इसलिए हमारा शासन व्यवस्थित नहीं हो पा रहा, शासन नहीं आ पा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, तो उस लड़ाई में अनुशासन बनाना सीखें। बार बार मन से कहा जाता है कि सब लोग बैठ जाएं, अभी साथी खड़े होते सब लोग बैठ जाएं, इस बात को फॉलो किया जाए कि जो साथी जिसको बैठने की जगह मिलती है वो बैठ जाए और जिसको बैठने की जगह नहीं मिलती है वो खड़ा रहे। जिसको बैठने की जगह मिल रही है वो साथी बैठ जाए, ये पीछे वाले लोग अगर बैठने की जगह ऊपर है तो ठीक है, वरना मेरे सामने आ जाए सब लोग। क्योंकि मंच पर चढ़ने से आंदोलन नहीं होते और ना मंच पर बोलने से आंदोलन सींचे जाते हैं। आंदोलन तो खून से सींचे जाते हैं, लाठी डंडों से सींचे जाते हैं। आंदोलन तो पिट पिट कर सींचे जाता है, पिट पिट कर जो आदमी पिटता है, जो सीखता है, जो जेल लड़ता है, उसको पता लगता है कि आंदोलन क्या। तो इसलिए मंच के लालची ना बनो, मैं भी नहीं बनता, लेकिन क्योंकि मैं जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ तो मेरे साथी जो है वो तमाम वो करते हुए कहता भी हूँ कि मंच मत लगाओ, नीचे गद्दे लगाओ, बराबरी में बैठ कर बोलेंगे। लेकिन व्यवस्था है, व्यवस्था है, व्यवस्था बतानी और चलानी पड़ती है। शुक्रिया। साथियों महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। ये बात सिर्फ ताली बजाने तक मत लीजिएगा, इसको गहराई से सोचिएगा। लाठी डंडे गोली से हमसे कोई जीत ही नहीं सकता, ये यहाँ का इतिहास कहता है। वो चाहे भीमापुर गांव का इतिहास रहा हो, चाहे इस देश में चमार रेजिमेंट का इतिहास रहा हो, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करके आजाद हिंद फौज का साथ दिया था। महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना, जिस ओर बाहर निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। बहुजन महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी को एक इंकलाबी जय भीम पेश करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए, अभी तमाम साथियों ने बहुत सारी बातें यहां पर कही। अब क्योंकि जमीन के लोग हैं, गरीबी से उठकर आए हैं, भूख की व्यथा जानते हैं, भूख क्या होती ये भी जानते हैं कि आंदोलन क्या होता है। उस मां का दर्द भी देखा है जिस मां के बेटे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो इस बहुजन आंदोलन को चला रहा। उस पिता का, उस भाई का दर्द भी देखा है जिनकी बहनों के साथ रेप होते हैं। ये कोई मैं जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, ये मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं जिस व्यवस्था को तथागत बुद्ध से लेकर साहब काशीराम साहब ने और आज लोग आप लोगों ने तोड़ने का भरपूर प्रयास किया, मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं। यह भी देखा कि जब सरकार के नाम पर दिए गए छोटे छोटे पट्टे कभी 20-30 साल पहले मिले होंगे, उनको आज की सरकारें छीन रही हैं और हमारे लोग रोते हैं कि भाई रोटी कहां से खाएंगे। ये भी देखा, हर मां को तड़पते देखा है और पिता को रोते बिलखते देखा है, भाई को बिलखते देखा है, भूख का आलम समझते हैं क्या है, इन सारी तकलीफों को जानते हैं क्या है। तब जाकर के आज यहां आप लोगों के बीच खड़े। अभी हमारे प्रभारी ने बहुत सारी बातें कही, हमारे दोनों अध्यक्षों ने बहुत सारी बातें कही, मुझसे पहले भी जो वक्ता रहे होंगे उन्होंने बहुत सारी बातें कही होंगी, लेकिन मेरा एक मानना है
कि अगर आपके अंदर शिक्षा का प्रभाव है और आप एजुकेटेड हैं, जो कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा से इंद्रिय का बोध होता है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, अगर उसका अंश आप में है तो किसी भी चीज का सर्वे करना जरूरी है, किसी भी चीज का परीक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले ही कहा आप नेता नहीं है, हम तो गरीबी से धूल से मिट्टी से निकलकर आए हैं और आज भी उस मिट्टी और धूल का अंश जानते हैं, उसमें रहते हैं। तो सब लोग मेरी बातों को गौर से सुने, वो लोग भी सुने जो मार्केट में रहते हैं, वो हो सकता है भाजपा के कार्यकर्ता हो, आरएसएस के कार्यकर्ता हो सकता है वो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, अन्य सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, वो भी मेरी बात गौर से सुने। क्योंकि जब व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है, जब देश हित की बात आती है, तो सिर्फ माइक लेकर एसी के कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जबकि देश हित के विषय में कुछ किया नहीं जाता। आज लोग खुश होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर मारकाट मचाते हैं, लेकिन समय समझिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि किसी भी बात का सर्वे जरूरी, इसके तथ्यात्मक परीक्षण होना जरूरी है। और जिस देश का युवा, जिस देश का नागरिक, किसी भी राजनेता का, किसी भी सामाजिक व्यवस्था का, किसी भी आर्थिक व्यवस्था का परीक्षण नहीं कर सकता, उसे भारतीय, उसे उस देश का नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं है। ये लोग जितने मंच पर बैठे हैं, इनके फोटो खींच कर लेकर के जाइए, अपने यहां के जिला अध्यक्ष से इनके एड्रेस भी मंगाइए और फिर इनके जिले में जाकर पूछिए लोग कौन है। अगर इनमें से एक भी व्यक्ति आपको किसी नेता का बेटा मिल जाए, अगर इनमें से एक भी व्यक्ति आपको किसी बड़े व्यापारी का बेटा मिल जाए, बड़े अधिकारी का बेटा मिल जाए, तो मुझे एक बता दीजिएगा, एक मिनट का वीडियो छोड़ के, भाई तुम्हारे साथ भी तो वही लोग रहते हैं, उसी दिन इस काम को करना छोड़ दूंगा। ये सब वही लोग हैं फकीर, ये सब वही लोग मांग मांग कर चलते हैं, ये सुनील बैरसिया, सुनील अस्ते, ये सिकंदर बोध, निहाल सिंह, मेरी छोटी बहन पीछे बैठी हुई, ये सब वही लोग हैं कि जो एक एक रुपया मांग कर चल रहे हैं, लेकिन फूले साहब अम्बेडकर के इस आंदोलन को उठा उठा कर खींच रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को इस देश के प्रत्येक नागरिक को, गौर से सुनिएगा, प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार देकर गए। यहां का दलित आदिवासी पिछड़ा हो, यहां का अल्पसंख्यक हो, भाई आराम से इनको आराम से वापस करो, आराम से, बिल्कुल भाई किसी का चोट फटना लग जाए, आराम से भाई, आराम से, आराम से भेज दो, आराम से चोट ना लग जाए किसी को, बैठे सब लोग अपनी जगह। तो मैं ये कह रहा था, यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर हर किसी को समानता का अधिकार देकर के गए, वो चाहे किसी भी जात धर्म की महिला हो, जो आज दुकान चला रही है। मैंने आधे में देखा कि बहुत सारी बहनें दुकानों पर बैठकर दुकान चला रही, पीछे डबरा में मैं देखता आ रहा था। मैंने देखा कुछ बहनें पुलिस में है, कुछ अन्य अन्य विभागों में है, तो ये सब किसी की अगर देन है 26 जनवरी 1950 के बाद सामंती व्यवस्था को लात मारते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन। मुझे लगता है मेरी बातों पर ताली ना बजाई जाए, क्योंकि आज मैं एक बात करनी भूल गया, उसे मैं अब कह देता हूं। हम भीम आर्मी के लोगों में सच बोलने का कीड़ा है, और सच बोलने वाले लोग हैं ना दुश्मन होते हैं। मैंने पहले के बताया राजनीति तो नहीं है, लेकिन जब मैं आपकी कमी आपको गिनवाऊंगा तो आप लोगों को मैं इसे वोट नहीं देना, इसे सपोर्ट नहीं करना, इसे आगे नहीं बढ़ने देना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। मैंने फूले साहब को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, साहब कांशीराम को पढ़ा, दीनावाना को पढ़ा, जब इनको पढ़ा, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, उधम सिंह को पढ़ा, जब इनको पढ़ा तो मेरी समझ आया कि अगर आप वैचारिक तौर पर मजबूत हैं तो आपके सामने खड़े हुए 1 करोड़ लोग भी आपकी बातों को नकार नहीं सकते, वो आज नहीं तो कल आपकी बात जरूर मानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने कथन में लिखते हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान स्थापित होने के बाद कहते हैं कि मैंने रानी के पेट पर चक्कू मार दिया, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन अफसोस, अफसोस जिस समाज में मैं जन्मा हूं, जिस समाज को सदियों तक अछूत रखा गया,
जिस समाज की बेटियों के साथ हमेशा दुराचार किया गया, वो समाज आज भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। मैं बेखौफ होकर कहता हूं, मैं किसी मंत्री की बुराई क्या करूं, मैं किसी मुख्यमंत्री की बुराई क्या करूं। मैं चाहता हूं कि वो मंत्री मुख्यमंत्री अगर किसी से बना हुआ है तो आप लोगों से बना हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, अभी आया था पिछली बार यहां पे मंदसौर, पता लगा बीएसएफ के जवान को जाति के चलते घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया अपनी बरात निकालने के लिए। कितने शर्म की बात है। पता लगा उसकी जाति क्या थी, पता लगा वो भी उस अछूत जाति से ही था जिनके लोगों को कभी खाट पर बैठने नहीं दिया जाता, उसी जाति से। मैंने पहले कहा कि अफसोस कि सन 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखते हैं, आर्टिकल 15, 16, 14, आर्टिकल 19 देकर जाते हैं, आर्टिकल 21 के देकर जाते हैं, फ्री में शिक्षा का अधिकार देकर जाते हैं, बराबरी का अधिकार देकर जाते हैं, बोलने का अधिकार देकर जाते हैं, वोट का अधिकार देकर जाते हैं। लेकिन अफसोस वो समाज जो जिसने 1000 साल की गुलामी सही, वो आज भी अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहा, वो आज भी दूसरे की चाट उगाता, दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार। मैं किसके सामने रहूं, जो बलात्कार होते हैं तो मार होती है बेटा, ये हो गया, दर्द होता है, यहाँ पर नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। अभी संसद की बात चली, संसद का निर्माण जिस दिन शुरू हुआ था, जिस दिन उसकी नींव रखी गई थी, गौर से सुनिएगा, और खासतौर से वो लोग सुनिएगा जिनमें शर्म का अंश बचा हो, जो स्वाभिमान की इतनी सी परिभाषा जानते हो, या वो लोग भी जो ये चाहते हैं कि इस देश में मानवता रहे, समानता रहे, आडंबरवाद और ऊंच नीच ना रहे, वो लोग भी जिस दिन नई संसद की ईंट रखी जा रही थी उस समय इस देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद साहब थे। रामनाथ कोविंद सबको इन्विटेशन था, रामनाथ कोविंद के साथ को इन्विटेशन नहीं था। किस लिए, ये घर जाकर अपने मन से सोचेगा किस लिए, कि जो व्यक्ति शिक्षा हासिल करके उस पैमाने पर बैठ गया हो, इस देश का राष्ट्रपति बन गया हो, लेकिन फिर क्यों उसकी हैसियत इतनी इन्होंने बताई कि नहीं हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे। फिर उस संसद के उद्घाटन की बात आई तो इस देश की एक आदिवासी बहन जो देश की राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाई, लेकिन शास्त्रों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार उनको इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के संसद के उद्घाटन में नहीं बुला गया। मैं 3 दिन नहीं सोया इस बात को सोच सोच कर कि आखिर कब तक इस देश की चट्टी हम उठाएं, इस देश की सफाई हम करें, इस देश में कूड़ा करकट हम उठाएं, इस देश में मेहनत हम करें, इस देश की खेती हम काटें, खेती हम बोएं, और हमारे लोगों के साथ ये दुराचार, ये अन्याय, ये अत्याचार, और हम फिर भी चुप हैं। अरे पढ़ो सही दिया भगत सिंह को, ये युवा जो बैठे हैं, जो तो मुझे सुन रहे हैं, जो चाहते हैं ये देश सोने की चिड़िया बने। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह साहब, उन्होंने कहा कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलियानों से होकर जाता है। लेकिन अफसोस इस देश के निकम्मे नाकारा नेता जो अपने वंश के आधार पर अपने धर्म जाति को आगे कर बढ़े, उन्होंने अपनी धर्म जाति को आगे बढ़ाया, अपने वंश को आगे बढ़ाया, इस देश को आगे बढ़ाने वो लोग नाकामयाब रहे। समझिए चौधरी चरण सिंह साहब ने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बैकवर्ड के रास्ते आते थे, वो कह के जाते कि इस देश की उन्नति का रास्ता यहाँ के खेतों खलियानों से होकर जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर भारत की उन्नति चाहते हो तो भारत के गरीब मजदूर सरहारा किसान को लाकर बराबरी की ओर खड़ा करो, उनको सुविधाएं मुहैया कराओ, उनको शिक्षा मुहैया कराओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जहां शिक्षा आर्टिकल का 21 के शिक्षा का फ्री अधिकार देता है, वहीं भारत में शिक्षा का बड़े पैमाने पर दोहरीकरण किया गया। मैं बड़े व्यापारियों से किसी द्वेष नहीं रखता, मैं बिजनेसमैन से द्वेष नहीं रखता, मैं बड़े नेता बड़े अधिकारी से द्वेष नहीं रखता, या मैं बहुत सारे पैसे वाले लोगों से द्वेष नहीं रखता। मैं तो सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर एक डीएम का बेटा, एक सीएम का बेटा, एक पीएम का बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा जहां की फीस 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 होगी, तो पढ़ते ही वहां पर तैरना भी सीखेगा, गाना भी सीखेगा, नाचना भी सीखेगा, और सारे काम वहां सीखेगा। और एक तरफ मेरा बेटा, गरीब मजदूर का बेटा प्राइमरी स्कूल में जाएगा जहां की शिक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न होगी,
जहां कोई सुविधा नहीं होगी, तो क्या इस देश में बराबरी लाई जा सकती है? लड़ाई इस चीज की है कि इस देश में शिक्षा और चिकित्सा एक कर दीजिए, चिकित्सा हॉस्पिटल फ्री कर दीजिए, प्रधानमंत्री के बेटे का इलाज, सफाई कर्मचारी के बेटे का इलाज, ये अनार बेचने वालों के बेटे का इलाज एक ही हॉस्पिटल में होगा और एक ही जगह पर बिल्कुल फ्री होगा। यही कर दीजिए शिक्षा में कि डीएम के बेटे का की शिक्षा, साइकिल चलाने वाले के बेटे की शिक्षा, रिक्शा चलाने वाले के बेटे की शिक्षा, पानीपुरी में बेचने वाले के बेटे की शिक्षा एक स्कूल में एक जगह होगी, अच्छी शिक्षा होगी और मुफ्त शिक्षा होगी, ये कर दीजिए। मैं लिख कर देता हूं, अगर ये देश में लागू हो जाए तो यहाँ की 50% समस्या समाधान हो जाएगी। यहाँ के किसान, जवान, मजदूर की समस्याएं, किसान, जवान, मजदूर की समस्याएं आदि हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सत्ता का प्रभाव इतना ज्यादा है, जब तक वैचारिक क्रांति चली है, इतिहास पढ़िए, बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं, भाई क्या बात है। नहीं तो जो साथी आए ना आने दीजिए ना, जब मैं बोलना बंद करूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फालतू में आपको कुछ बता रहा हूं तो मैं बंद कर देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो लोग जानते हैं जिस मजदूर का बेटा भुखमरी में पैदा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो इतना क्षमतावान होगा कि वो यहाँ के मंत्री, एमएलए, एमपी के बच्चों को पछाड़ करके आगे की ओर निकल जाएगा। ये इतिहास गवाह है, बाबा साहब अम्बेडकर इसके सबसे बड़े उदाहरण है। लेकिन अफसोस, वो समाज जिसका शोषण बड़े पैमाने पर होता रहा, अभी 4 दिन पहली घटना है छत्तीसगढ़ की, भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बेटे ने और उसके 10 दोस्तों ने 2 दलित समाज की बेटियों का रेप किया, उठाया और रेप किया, खूब जितनी दरिंदगी कर सकते थे उतनी की। क्या किसी को जानकारी है? कोई बोला? कोई नेता बोला? नहीं। किस लिए बोलेगा? जहां का जनता, जहां की आवाम निकम्मी होकर सो गई हो तो वहां पर ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। जो समाज इन घटनाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाता उसको मर जाना चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं। हम जिस वोट का प्रयोग हमें अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए करना चाहिए था, उस वोट का प्रयोग हमने नशा, अपने नशे की व्यवस्था को पूरा करने के लिए किया। उस वोट का मतलब हमने जीप के चखार के लिए किया, लेकिन उस वोट को कभी हमने अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं किया। ये शर्म की बात नहीं है? मुझे मुंह मेरी तरफ देखकर बताइए, क्या ये शर्म की बात है या नहीं है कि जिनकी बेटियों के साथ रेप हो रहा हो, जिनके परिवार में हत्या की जा रही हो। आइए भाई फटाफट आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी ओर से, आइए। लेकिन जल्दी, बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। भाई बैठिए, अभी बैठिए, 5 मिनट बाद होगी सबसे बातचीत। जिनकी बेटियों के साथ ये हो रहा हो, जिनके साथ ये बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हो, और वो आज भी अपनी ताकत, जो उनके पास हथियार, उस हथियार का प्रयोग करना ना जानते हो, तो मुझे बताओ निकम्मा कौन है? क्या मैं दोस्त हूं मंत्री को? मंत्री निकम्मा है? नहीं, वो कौम निकम्मी है, जिस कौम की आबादी झुंडों में है, जो हर जगह पाई जाती है, वो चाहे तो यहाँ के तखत सेकंडों में बदल दे, वो चाहे तो यहाँ की व्यवस्था को सेकंडों में छिन्न भिन्न कर दे, वो कौम निकम्मी। मैं जानता हूं कि जब ये वक्त पर मेरा सुना जाएगा तो बहुत सारे लोग इसको उठाएंगे और अब दरवाजा का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन मेरा काम है मेरे भाइयों को जगाना, मेरी बहनों को जगाना। हो सकता है कल मेरी हत्या हो सकता है कल इनकी हत्या हो, लेकिन हम लोगों के पास वो कारवा खड़ा होना चाहिए कि जब विनय रतन की हत्या हो तो 100 विनय रतन दिखने चाहिए, जब सुनील हस्ते की हत्या हो तो 500 सुनील हस्ते दिखने चाहिए, जब सिकंदर बोध की हत्या हो तो लाइन लगाकर लोग दिखने चाहिए।
ये काम है, यही करेंगे। रही राजनीति की बात, जिस दिन ये मेरा सोया हुआ समाज जागा ना, जिस दिन ये सोया हुआ समाज जाग गया और इन जैसे लोग जिन यहाँ बैठे हुए हैं कतार में, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते उनका आंदोलन चला रहे हैं, जिस दिन इनमें से एक व्यक्ति आपने विधानसभा भेज दिया, मैं लिख कर देता हूँ विधानसभा चल नहीं पाएगी जब तक आपके अधिकार पूरे ना हो गए। अपनी ताकत को पहचानने का काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए। कोई आपको 1500 रुपए की पेंशन फालतू देगा, कोई आपको बहनों के ब्याह के नाम पर पैसे कर देगा, कोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाएगा घटाएगा, ये बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन सोचिए, विचार कीजिए, जब आप सत्ता में होंगे तब आपका विधायक होगा, जब आपका मंत्री मुख्यमंत्री होगा तो उसको गरीबी का एहसास होगा, तो सिलेंडर वाले 1200 का नहीं, वो सिलेंडर 300 पर लाया जा सकता है। मैं कहता हूं व्यापारियों से भी कि आगे खोलिए अपनी, आपका भी बड़ा बड़े पैमाने पर व्यापारीकरण किया जा रहा है। जिस प्रकार का इस देश, जिस प्रकार से भारत के अंदर लगातार बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, जहां सेब भी मिलता है, यहाँ ठेली पर सेब मिलेगा 100 रुपए किलो और वहां मिलेगा 500 रुपए किलो, फिर भी आदमी दौड़कर वहां जाएगा। जहां ये दुकानें आज खुली हुई है, पड़ोस में चाचा को कहता हूँ चाचा घर में शादी है 10 जोड़े उधार दे दीजिए, तो चाचा उधार दे देता है, लेकिन मॉल से नहीं मिलेगा, फिर भी आदमी मॉल में जाएंगे। यहाँ पे छोटे व्यापारी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में एक व्यवस्था लागू की जा रही है, इस देश में या तो आदमी बहुत अमीर हो या फिर आदमी बिल्कुल भिखमंगा हो, ये व्यवस्था इस देश में लागू की जा रही है। जो लोग धर्म के नाम पर चीख के चिल्लाते हैं, जाइए, मैं चुनौती देता हूँ, बिल्कुल चुनौती देता हूँ, धर्म पर कितना बड़ा नशा हो, आए मेरी नाड़ पर तलवार रखे और कहे कि मैं फलाने धर्म को मानूं, मैं नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा, मैं नाड़ कटवा लूंगा, नहीं मानूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, जो लोग भारत माता की जय चिल्ला चिल्ला करके या जय श्री राम के नारे लगा लगा करके आज लोगों की हत्या कर देते हैं, जो लोग ये समझते हैं भारत माता की जय से भारत का उत्थान हो सकता है, भारत में विश्व का नंबर एक देश बन सकता है, मैं उनसे भी कहता हूं, भाइयों पढ़ने का काम करो। आपसे निवेदन है, आप युवा हो, व्यवस्था बदल सकते हो, लेकिन सही जानकारी जब तक आप तक नहीं पहुंचेगी, आप इसी तरीके से भ्रमित होते हो। जिन लोगों को शक हो, मैं सभी निवेदन करता हूं, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के आपको ये लगे कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर जो लिख कर गए वो गलत है, तो बिना रतन आपके वाले आंदोलन में आकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा आपके पढ़ने के बाद। लेकिन आज जिस तरीके से देश के अंदर युवा को भ्रमित कर दिया गया, जिस तरीके से इस देश का युवा शिक्षा को छोड़कर इस लड़ाई झगड़े की दुनिया में कूद गया, जिस तरीके से इस देश का युवा सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ धर्म का लाभ लगने लगा है, उस तरीके से क्या देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है? बताइए। अभी आपने देखा होगा, अभी चंद्रमा पर हम गए, चंद्रमा भी गए थे ना, अभी चंद्रमा पर हम गए, बड़े बड़े दावे किए गए, सब कुछ किया गया, ये बात की तो मैं कहने को नहीं, मैं भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने भीम आर्मी मध्य प्रदेश में भी गांव गांव में लेकर गया, छत्तीसगढ़ में भी लेकर गया, झारखंड में भी लेकर गया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। यही व्यवस्था कि हम चांद पर तो चले गए, बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दिए, मोदी जी ने चांद पर भेज दिया, मोदी जी ने चांद पर चले गए, मोदी जी ने ये कर दिया, तो उन्हें देखता हूँ इन चेन्नों को श्रम आती है। आखिर वो लोग जो रात दिन मेहनत कर रहे, तनखा लेकर के सही मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा सिरे तो उनको भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अभी पाकिस्तान से जब भी लड़ाई की बात आती है तो मोदी जी ने ये कर दिया, मैं सोचता हूँ जब मोदी जी करे तो हमारी आर्मी क्या कर रही है? समझिए, ये आपको पथभ्रमित करने का एक नया तरीका निकाला गया है मीडिया के माध्यम से, कि जो दिखेगा वो दिमाग में चलेगा, आदमी उस पर अमल कर जाएगा, नहीं किताबों की ओर अपने आप को मोड़िए। जिस एंड्रॉइड फोन को आपने हाथ में लिया हुआ है, इसके गूगल पर सर्च मारिए, पढ़ना शुरू कीजिए महापुरुषों को, आपको सही गलत का पता लग जाएगा, सही गलत क्या है। कल मैं भी गलत हो सकता हूँ, जब आप किताबों की ओर मुड़ेंगे, सही महापुरुषों को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि एक साथी हमारा यहाँ आया था,
और ये बोलकर गया वो सही बोलकर गया या गलत बोलकर गया, ये है असली देशभक्ति। आपने देखा होगा इससे पहले की जो सरकार थी उस सरकार ने नुमाइंदा चुना, हालांकि मैं उनका नाम से सम्मान लूंगा, माननीय अन्ना हजारे जी दिल्ली में बैठे और काले धन के खिलाफ आंदोलन चलाया, एक बड़ा आंदोलन चला, सरकार की सरकारें बदल गई, लेकिन मुझे ये समझना है कि वो काला धन आया या नहीं आया। और अगर वो काला धन आया भी है तो वो मोटे पेट वाले पूंजीपतियों के पास गया होगा। क्या आपको किसी को काला धन मिला, किसी किसान का कर्जा माफ हुआ, या फिर किसी गरीब मजदूर की बेटी के एक पैसे ज्यादा मिल गए? उसमें रखा। समझिए, आप वो लोग हैं जो इस देश को बदल सकते हैं। इस देश का शोषित वंचित वर्ग, इस देश का सर्वहारा किसान मजदूर वर्ग, इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा, इस देश का प्रगतिशील व्यक्ति, इस देश का संविधान को मानने वाला व्यक्ति यहाँ की व्यवस्था को बदल सकता है। इस व्यवस्था को बदलने का काम कीजिए। एक व्यक्ति खड़ा होता है, जब उससे खतरा राजनीति में खतरा पैदा होता है तो उस पर गोली चलवा दी जाती है। जानते हैं उसका क्या नाम है? जानते हैं क्या नाम है? आवाज नहीं हूं बिल्कुल। एक व्यक्ति खड़ा होता है जहां हमारे मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, बहन के साथ रेप करके भी घटनाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, उस व्यक्ति ने बीड़ा उठाया, उस व्यक्ति ने जागृति भरी, उस व्यक्ति ने जगह जगह जाकर के गंगा फुकर कहा कि सम्मान से जीने डरेंगे नहीं। और डर का कारण हुआ कि बिहार में राकेश पासवान को 26 गोली मारी गई। अभी कल की घटना है मध्य प्रदेश की कि एक कार्यकर्ता, एक आम व्यक्ति, एक बेटी को छेड़ा जा रहा था उसके सामने अट जाता है तो तथाकथित लोग उसको गोली मार देते। ये तो हुआ, लेकिन क्या जब आपको लड़ते हो, जब जाकर तो थाने चौकी में खड़े होते हो, जब डीएम एसडीएम के सामने खड़े होते हो और न्याय के लिए लड़ते हो, क्या घर से सीना चौड़ा होता है या नहीं? गौर से बताओ, होता नहीं होता है? जब आप कहते हैं गलत हो रहा है, सुना जाए नहीं सुना जाएगा तो व्यवस्था बंद कर देंगे, सीनागर से चौड़ा होता है नहीं होता है। ये होनी चाहिए भारतीय की पहचान, किसी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर अपराधियों का संरक्षण किया जाए तो ये पहचान मिटा दीजिए। अगर आप दलित के आधार पर भी किसी बलात्कारी का रक्षण करते हैं तो आपको भी अपने अस्तित्व को खत्म कर देना चाहिए। अगर सही में भारतीयता की पहचान है तो न्याय के लिए खड़े होइए, अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। मौत इससे मैं सकते सदर कुछ नहीं, प्रकृति का सिर्फ एक ही नियम है, जो जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, वो 100% मरेगा अगर मौत आज लिखी है तो आज से। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, महापुरुष कहते हैं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी फोटो बिकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर, ये साहब काशीराम साहब की देखो फोटो, मुझे भी साथियों ने दी, ये दी। जानते हैं क्यों है मेरे हाथ में? जानते हैं ये इसलिए है कि ये कभी बिके नहीं, अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे। सब लोगों ने झुकाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं झुका पाया, कोई नहीं झुका पाया। तो भीम आर्मी के लोग भी उस निर्माण की बात करते हैं, उस युवा के उत्थान की बात करते हैं जो धर्म के नाम पर मार काटना बचाए। वो तो पढ़े, पढ़ लिख करके इसरो का वैज्ञानिक बने, पढ़ लिख करके एक एमबीबीएस डॉक्टर बने, पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी या बड़ा अच्छा नेता बने। हम उस प्रगति की बात करते हैं। अगर ऐसी प्रगति की बात करना अपराध है तो यह अपराध मेरा हर कार्यकर्ता करेगा, जिसको जो पड़ता है वो काट ले। अन्याय के खिलाफ लड़ाई मजबूत थी, भीम आर्मी के लोगों की है। और रहेंगे, मैं एक बात और बता दूं, भीम आर्मी का गठन पढ़े चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन ने 2015 में किया, लेकिन इसका आगाज तथागत गौतम बुद्ध करके गए थे कि आने वाले मेरी नस्लें खड़ी होंगी और अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती। समझिए, लाठी डंडी गोले गोली किसी चीज का समाधान नहीं। मैंने जैसे पहले ही कहा कि लाठी में, डंडों में, गोली में हमसे अपन कोई हो नहीं सकता। आबादी इतनी है, 5-10 लाख मर भी जाएं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता देश की आबादी में, न समाज की आबादी में, आबादी इतनी है। लेकिन नहीं, गोली की तरफ, लाठी डंडों की तरफ नहीं जाना।
कहीं जाना है तो संवैधानिक व्यवस्था की तरफ जाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाना है। आप जानते हैं सरकार प्रशासन किससे डरता है? प्रशासन सरकार किससे डरता है? मंत्री मुख्यमंत्री से नहीं डरता, वो तो संवैधानिक व्यवस्था है कि हमने चुनकर भेजा तो ये पुलिस के लोग सलूट करते हैं, डीएम एटीएम खड़े होते हैं। अगर ये सब किसी से डरते हैं तो आप लोगों से डरते हैं, जनता से डरते हैं। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था कि अगर यहाँ के माननीय प्रधान मुख्यमंत्री महोदय ज्यादा तानाशाह हो गए हो तो बता दें, हम अपनी भैंस गाय भेड़ बकरी सुअर कुत्ते बिल्ली जिनको हम पालते हैं उनको लेकर के विधानसभा आएंगे और विधानसभा के बाहर फूटा गाड़ कर बैठेंगे, हम देखेंगे हमारा क्या। इस चीज का एहसास कीजिए, ये सरकारें डरती हैं तो जनता से डरती हैं। और मैं गर्व से कहता हूँ इस देश में मेरी आबादी ना जाने कितनी है, बहुत बहुत संख्या आबादी है, मैं गर्व से कहता हूँ। जो अन्याय करेगा उसके विरोध में भीम आर्मी का एक कदम रहेगा और जो अन्याय नहीं करेगा उसके पक्ष में भीम आर्मी का कदम रहेगा। हालांकि मैं 1585 की बात करते हैं, मेरे महापुरुषों ने यही सिखाया, ये मेरे महापुरुषों ने ये भी कहा कि जब तक व्यवस्था बराबर ना हो जाए, जब तक बहुजन अपने अधिकार न पाले, तब तक 1585 के बीच में कोई मेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं अगर 15% लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक व्यवस्था मान्यता वाले विश्वास रखते हैं और उनके साथ गलत होता है तो भीम आर्मी को एक आवाज दीजिएगा। वो चाहे आंदोलन मुख्यमंत्री खिलाफ क्यों ना हो, भीम आर्मी के लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। पहले लोग डरते थे, ये मेरी माए बैठी है यहाँ, जब कहीं मैं भी जाता था मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ लेती, ना भाई मुकदमा दर्ज हो जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी। क्या आप अपने बेटे को बीमारी में भेजने से पहले डर लगता है? जोर से बताओ, लगता है डर? नहीं लगता। अगर वो जेल चला जाएगा तो डर जाओगे? ये डर जो सदियों से बिठाया गया कि जेल चले जाओगे नौकरी नहीं लगेगी, मैं बताऊं जब तक सजा ना हो तब तक व्यक्ति अपराधी नहीं होता। और ना जाने कितने बलात्कारी, कितने हत्या करने वाले, कितने करप्शन के लोग घूम रहे हैं। और आज तो मेरे समाज में डॉक्टर इंजीनियरों की संख्या कम नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जेल जाना पड़े तो घबराइएगा मत, जमानत आपका वकील आएगा कराकर। आज भीम आर्मी की इतनी बड़ी ताकत है, 24 राज्यों में भीम आर्मी है। अभी मणिपुर मेघालय कौन से प्रदेश में भी बात चली थी विजय भाई से, मिजोरम में कुछ साथियों का संपर्क आया भीम आर्मी के लिए, वहां एक बेटी के साथ गलत हुआ था। मेरे पास संपर्क आया, हमने कहा बेफिक्र होकर भीम आर्मी का नाम लिखकर आंदोलन कीजिए। मिजोरम के साथियों ने आंदोलन किया, जिन साथियों ने आंदोलन किया उन साथियों को डीजीपी ने अपने यहां बुलाया और कहा क्या यहां भीम आर्मी आ गई है? मिजोरम में क्या यहां भीम आर्मी आ गई है? उन्होंने कहा साहब आई तो नहीं है बात हुई है। इतनी बात सुनते ही वहां के तथाकथित मंत्रियों ने उनके यहाँ ड्रापा देना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया कि यहाँ अगर भीम आर्मी को स्थापित कर दोगे तो ये कर देंगे, भीम आर्मी को स्थापित कर देंगे। मेरे पास सोच रहे भैया ऐसी सी बात है, मैंने कहा देखो भाई गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, किराया नहीं होता, अगर आपके पास ट्रेन के किराए की व्यवस्था है तो मैं यहाँ से चल पड़ता हूँ मिजोरम के लिए, 3 दिन लगे 10 दिन लगे आ जाता हूँ। मैं पूछूंगा डीजीपी से कि क्या तेरी हैसियत है भीम आर्मी को रोकने। अब आप सोचिए जिस संगठन का डर डीजीपी और नेताओं को हो गया उसका क्या रहेगा। मैं कहता हूँ बीजेपी के लोगों से भी कि अगर मानवता है तो जो लोग सदियों से जिनके बाप दादा राजनीति करते आए विधायक एमपी बने रहे उन्हीं पर राजनीति मत कराओ, नई पीढ़ी को लाओ और फिर उसमें टकराने की क्षमता पैदा करो ना। मैं सावरकर को मानने वाला नहीं कि जो अंग्रेजों के डर से माफी मांग ले और मुखबरी करके ना जाने कितने लोगों को मरवा दे। मैं शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाला हूँ, शहीद आजम उत्तम सिंह को मानने वाला हूँ जो 40 साल बाद जाकर जनरल डायर का इलाज कर देता। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं मानवतावाद की व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए
मेरे माँ पुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, मेरी ये टीम मेरा समाज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कुर्बानी देगा। मैं गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, मैं अनपढ़ नहीं मानता। मेरे घर में कोई भगवान है तो बुजुर्ग व्यक्ति मेरा भगवान है, बुजुर्ग माँ मेरी भगवान है, वो मेरे भगवान है, उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, मुझे मतलब आपको भी करनी चाहिए। इस नशे को छोड़ दो, तुम अगर वाकई आगे बढ़ना चाहते हो, इस व्यवस्था को सुधारना चाहते हो तो इस नशे को छोड़ो। जो नशा सस्ते दामों पर तुम्हारे गांव, तुम्हारे टीलों, तुम्हारी दुकानों पर रख दिया गया है, इसको छोड़ो। ये हमें निकम्मा बनाने की बड़ी साजिश, छोड़ो इसको। एक बात मैं और कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं ये कहता हूं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। हो सकता है कि यहाँ के नेता 1,000-2,000 करोड़पति हो सकता है यहाँ की सामंती व्यवस्था तुम्हें दफन कर दे, लेकिन फिर भी इस देश के प्रति तुम्हारा फर्ज है, इस देश के प्रति मेरा फर्ज है, हम सबका फर्ज है कि इस देश पे हो रहे गलत कामों का विरोध किया जाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप सच के साथ खड़े होंगे तो आपका भरपूर विरोध होगा, लेकिन एक दिन वही लोग जो आपका विरोध कर रहे हो आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, झुक जाएंगे, आपको प्रणाम करेंगे। उस समय का इंतजार कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। हमने भी एक राजनीतिक दल का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, साहब काशीराम ने किया, आज भीमारी भारत एकता मिशन के लोगों ने किया। लेकिन ये दल फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाला प्योर दल है, जहां बिल्कुल गैर बराबरी की बात नहीं हो सकती, जहां जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात होगी, जहां न्याय के आधार पर व्यवस्था की बात होगी, जहां शिक्षा चिकित्सा की बात होती है, जहां का कार्यकर्ता पदाधिकारी पढ़ा लिखा है और जो कम पढ़ा लिखा है उसको पढ़ने लिखने की व्यवस्था के विषय में बताया जाता है, उसको मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता, उसके दिमाग को भ्रमित नहीं किया जाता। यहां पर यह व्यवस्था उन महापुरुषों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत दे करके दी है, जिन्होंने इस देश की गैर बराबरी के लिए लगातार आंदोलन चलाए हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए आंदोलन चलाए हैं, ये राजनीतिक दल उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए इसका जन्म हुआ है। मैं तो भाई फैलाकर आपसे कहता हूं, मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों से कहता हूं कि किसी को यह लगता हो कि उसमें पैसे नहीं है और वह राजनीति नहीं कर सकता, विधायक एमपी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो ये भीम आर्मी के लोग बैठे हैं जिसको विनायक रूपे के विधायक और मंत्री जी बनाकर बनाने का काम करेंगे। एक नाम बताऊं साहब काशीराम, जब पूंजी का प्रभाव राजनीति में बढ़ रहा था अभी की तरह, तो काशीराम साहब भारतीय राजनीति में एंट्री करते हैं और एक जूता गांठने वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को, एक आलू प्याज बेचने वाले को, एक अनार बेचने वाले को विधायक बनाकर विधानसभा में भेज देते हैं। वो जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है, बिल्कुल चौड़ी हो जाती है। उसी व्यवस्था के लोग हम भी हैं, हम भी भेजेंगे, आप लोगों के दम पर भेजेंगे, विधायक बनाकर भेजेंगे। और ध्यान रखिएगा, एक दिन ऐसा व्यक्ति जो जमीन पर चलता है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएंगे, ये वादा करते हैं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं तो आपके वोट की कीमत आपको समझाने आया हूँ। और खास तौर से दलितों को कहता हूँ, उन शूद्रों को, छूतों को कहता हूँ कि 2 अप्रैल याद है ना, याद है 2 अप्रैल, तेरा दोस्त तेरा भाई इस देश में हमने खोए अपने आंदोलन के लिए, बिना वजह के आंदोलन के तेरा भाई खोए। मैं कहता हूँ यूपी में, मैं कहता हूँ दिल्ली में, मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में, तो तेरा भाई तो चले गए, उसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या भारत की राजनीति में कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो उनके घर के खाने की व्यवस्था कर सके, उनके घर की दाल रोटी की व्यवस्था कर सके? है, लेकिन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जानते हैं उस घर की व्यवस्था वो कर देंगे तो लोग चलने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, कल जाकर उनकी राजनीतिक शक्ति ना चली जाए। सोचिए ना, हम कहां रह रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, सोचिए, विचार कीजिए ना। बुद्धि दी है, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए ना, पढ़िए किताबें, निकालिए रिजल्ट। मैंने पहले का वोट मांगने नहीं आया, लेकिन यह बताने जरूर आया हूं कि अपना वोट, अपना सपोर्ट
और अपना नोट उनको दे जो तुम्हारे बीच रात दिन रहते हैं। अगर तुम 2 बजे फोन करते हो तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता 2 बजे उठ कर जाता है। अभी एक कार्यकर्ता चरणजीत नाम था उसका, चरण सिंह नाम का एक कार्यकर्ता रात को एक मामले में गया। हालांकि साथियों का यह कहना है कि उसने वहां के मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि वो मुझे मरवाना चाहता है। पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी रात को 2 बजे उठकर संगठन के काम से जाता है, किसी की पीड़ा में जाता है और 2 घंटे बाद उसकी लाश मिलती है। प्रशासन कहता है इसका तो एक्सीडेंट हुआ है, जबकि वो अपनी हत्या का मुकदमा दर्ज कराता है। क्या ऐसे नेता देखे हैं अभी तक जो 2 बजे उठकर आते हो आपके बीच में, अपनी मोटरसाइकिल का तेल फूंक कर आते हो? देखा ऐसे नेता? क्या ऐसे नेता देखे हैं कि कल मध्य प्रदेश में कोई घटना हो जाए चंद्रशेखर आजाद जी सारे काम छोड़कर मध्य प्रदेश पहुंचे मेरे भाइयों ने बुलाया? देखा ऐसे नेता? तो इस व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी तुम भारतीयों पर है, उन लोगों पर है जिन्होंने सदियों से शोषण सहा। अब तुम सोचो व्यवस्था को परिवर्तित कैसे करो। अगर आप ये सोचते हैं कि भीम आर्मी के लोग धनवान हैं, आपको गाड़ी में चलने के लिए तेल के लिए रोटी दे सकते हैं, तेल दे सकते, तो नहीं नहीं कहां से ले। साहब काशीराम कहते थे जो आदमी सहारा देगा वो सहारा भी देगा। किसी से मदद मांगेंगे वो कहेगा भाई इसने रेप कर रखा है, उसको मुकदमा नहीं लगना चाहिए, कुत्ता खाई नहीं करते, ये काम हमारे बस का नहीं। अपने पैसे से चाहे 10 कदम चलो, जाओ गांव गांव, पूछो क्या समस्या है, समस्या का समाधान कराओ। वही काम ना चले तो जिले में भवन होता है विकास भवन, जिले में एक भवन होता है विकास भवन, सिर्फ पूछना करो, हफ्ते में एक दिन वहां जाओ और वहां के अधिकारी से पूछो कि ये बताओ क्या क्या व्यवस्था सरकारी आई है, पूछो उनसे और कहो कि 50% जो सरकारी व्यवस्थाएं आ रही हैं वो भीम आर्मी के लोग गांव गांव के लोगों को ढूंढकर आंकड़ा ला कर देंगे, ये व्यवस्था उन तक पहुंचनी चाहिए। क्या लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे? क्या लोग आपको वोट नहीं देंगे जब आप ये बताओगे कि अगर हम जैसे लोग कभी राजनीति में आए तो यहाँ सबसे पहले स्कूलों का और हॉस्पिटलों का निर्माण किया जाएगा जहां फ्री इलाज समाज के गरीब शोषित वंचित का होगा। इस व्यवस्था को सोचिए समझिए तब जा करके इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, वरना वो कच्चाधारी लोग जिन्होंने कभी भारत की आजादी में अपना 1% योगदान नहीं दिया वो आज इस देश में अपने आप को सबसे बड़ा देश प्रेमी बताते हैं। वो लोग जो रात दिन मरे, जिनको तोपों से पाना बांध कर उड़ा दिया गया, जिनके नाम आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर कई हजार की संख्या में लिखे हुए हैं, उन लोगों को इस देश में नक्सली और आतंकवादी बताया जाता है, नक्सली और आतंकवादी। समझिए अगर व्यवस्था बदलना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया पुनः बनाना चाहते हैं, तो ये जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाइए, खुद को भगत सिंह, खुद को अशफाक उल्लाह खां समझिए और इस वैचारिक क्रांति को घर घर तक पहुंचाइए और बताइए भीम आर्मी के लोग क्या करते हैं। एक चुनौती नहीं, एक निवेदन भी करता हूं, अगर मध्य प्रदेश में कोई सामाजिक संगठन ऐसा हो जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा भीम आर्मी से तेज चला रहा हो और ईमानदारी से चला रहा हो तो मैं अपने दोनों दशकों का आदेश देता हूं, निसंकोच उसको कहिएगा भीम आर्मी को उसमें समाहित जा करके कर दीजिएगा कि भीम आर्मी आज के साथ बात तुम्हारे साथ काम करेगी। लेकिन अगर ऐसा कोई संगठन ना हो तो फिर जाकर के उन संगठन के मेरे भाइयों को कहिएगा कि अब दूर दूर नहीं, अब विखंडित होकर नहीं, अब बल मुट्ठी होकर के इस देश की शासन व्यवस्था पर काबिज होना है, इस देश की व्यवस्था को बदलना है, इस देश में पुनः शोषित वंचितों का राज स्थापित करना, ये जाकर के उनको कहिए। जो ये कहते कि नहीं साथ नहीं देंगे तो समझ ले जाइएगा वो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा नहीं चला रहा, वो अपनी विचारधारा चला रहा है, अपने पेट भरने की विचारधारा चला रहा है, वो समाज में षड्यंत्र पैदा करने की विचारधारा चला रहा है। जो कहे नहीं समाज सर्वोपरि है, समाज ने कहा भीम आर्मी के साथ काम किया जाएगा तो निसंकोच आइएगा, अपना घर समझ कर आइएगा और नहीं भी आइएगा वहीं से काम शुरू कर दीजिएगा, न्याय के खिलाफ आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता होंगे।
मैं चीख चीख कर कहता हूं पूरे देश के अंदर कि जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, जो व्यक्ति जातिवाद के खिलाफ खड़ा होगा, जो व्यक्ति पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा होगा, जो सामंतवाद के खिलाफ खड़ा होगा, जो आडंबरवाद के खिलाफ खड़ा होगा, वो अपने आप को भीम आर्मी का कार्यकर्ता समझे। भीम आर्मी उसके पीछे बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। हमने एक पार्टी का निर्माण किया जा समाजवादी पार्टी कांशीराम, गरीबों की पार्टी, शोषित वंचितों की पार्टी। जब मध्य प्रदेश में कार्यक्रम होते बहुत सारे साथी आते हैं लेकिन झंडे मिलते हैं तीन। एक साथी ने मुझसे पूछा भाई ऐसा क्यों? हमने कहा देखो समाज रोटी दे देता, समाज अपनी एक दिन की मजदूरी छोड़कर आ जाता है, हमारे लिए भी खाना लाता है, 50 रुपए भी लेकर आता है कि भैया का कार्यक्रम है, टेंट का खर्चा भी देना। गरीब लोग है, ये तीन झंडे भी बहुत मुश्किल से बना पाए। तो कुछ तो हंसते हैं कि भारत की राजनीति को बदलने की बात करते हो यार, झंडे बनाने की तुम्हारी व्यवस्था नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूं कि साहब जब बाबा साहब अम्बेडकर को देखता हूं, उन पर तो खाने की व्यवस्था नहीं थी, घर में 4 बच्चे मरे पड़े थे, कफन की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी गोलमेज सम्मेलन में गए थे। हमारे पास तो बहुत ये व्यवस्था अगर मध्य प्रदेश के लोग चलाना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं, मूंछों पर कट रहे मूंछे काट दे, रखने पर हत्या चाहते कि ना हो। एक 5 साल का 8 साल का बच्चा एक मटकी को छू ले उसकी हत्या ना हो। एक बीएसएफ का जवान जाति के आधार पर घोड़ी से उतार दिया जाए उसकी हत्या ना हो। जाति के आधार पर बेटियों के रेप ना हो। तो ये जो चेहरे सामने बैठे हैं इनके चेहरे को पहचान लीजिए, ये वही लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद का कंधा मजबूत करते हैं, फिर नरसन का कंधा मजबूत करते हैं, जो भीम आर्मी का झंडा बुलंद करता है। जब ये आए तो कहिएगा तन मंदन भैया आपके साथ है, गांव में आने की जरूरत नहीं, गांव का वोट सपोर्ट नोट तुम्हारा। और अगर ऐसा आप लोगों ने कर दिया, ऐसा आप लोगों ने कर दिया तो सोचिए क्या होगा, कितना बजट आता है मध्य प्रदेश का? सही से बताओ, मध्य प्रदेश का बजट 7.5 लाख करोड़ है इस बार का होगा, ही अगली बार बढ़ जाएगा 7.5 लाख करोड़। जीरो भी गिनने मुझे 5-7-10 मिनट लगेंगे, पर आप गिन लीजिएगा जाकर और फिर गूगल से सर्च कीजिएगा इस देश की, इस मध्य प्रदेश में गांव कितने हैं, और 7.5 लाख करोड़ से डिवाइड कीजिएगा, फिर सोचेगा कि आयु 7.5 लाख करोड़ का कितना प्रतिशत हिस्सा आपके गांव में लगा। ठीक है, समझ रहे हैं? 7.5 लाख करोड़ इतना है कि अगर 50% भी सही से सरकार ईमानदारी से लगा दे तो हर गांव के अंदर इंटरनेट बिजली पानी फ्री पहुंच जाएगा, हर गांव की सड़कें घर मकान सब पक्के हो जाए, इतना होता है। लेकिन अफसोस जो सबसे ज्यादा वोट देता है, जो सबसे ज्यादा पिटता है, वो बेचारा आज भी गरीब का गरीब। जिस दिन हम जैसे लोगों की भी सत्ता आप लोगों ने स्थापित कराई उस दिन उस 7.5 लाख करोड़ का सही उपयोग कैसे किया जाता है हम जैसे लोग आपको बताएंगे। अगर ऐसा कभी हुआ और ये सरकार जो आज है, हालांकि देश को कंगाल कर दिया गया है, ये धीरे धीरे पता लगेगा कि देश कितना कंगाल हो गया है। और अगर ऐसा कभी हुआ और देश कंगाली की कगार पर ना हुआ तो इतना तो हमारा भी सपना है कि हर गांव के अंदर एक कॉन्वेंट स्कूल जहां बच्चा इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में बोले, तैरना लिखना स्वर गाने गाना और डांस करना सब कुछ सीखे। ये सपना तो अपना भी है कि हर उसके अंदर ये इस गांव के अंदर ये स्कूल खोल दिया, हर 5 किलोमीटर पर हॉस्पिटल, जहां प्रेग्नेंट महिला के ऑपरेशन तक की व्यवस्था हो, सारी जांच की व्यवस्था हो। ये सपना है, ये सपना है हम लोगों का, किसका? भरपूर प्रयास कर। ये जो आज जाति के नाम पर हत्याएं हैं, कोई कारण नहीं है इनका, सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई के कारण, जाति के कारण जो हत्या है, ऐसे लोगों का इलाज करने का सपना है। अगर आप ये चाहते हैं कि सपना कहीं से पूरा होना शुरू हो तो मुझे ये महसूस होता है, मैं जब जब मध्य प्रदेश आता हूँ अपनी टीम के साथ उसे मिलता हूँ, चर्चा करता हूँ, यहाँ के गांव के विषय में पूछता हूँ, प्रयास रहता है तो गांव में जाऊं, जाता हूँ, पाठशाला खोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ,
10 20 आधे घंटे के लिए तो महसूस होता है ये सपना मध्य प्रदेश से ही पूरा होना शायद इस बार से शुरू हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश के लोगों, मध्य प्रदेश का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा कि कोई लोग खड़े हुए थे जिन्होंने व्यवस्था को बदला, व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मारा और गरीबत से निकल करके इस देश की व्यवस्था को बदलने का काम किया। अब एक सवाल जो मेरा हर प्रदेश में रहता है, हर कार्यकर्ता से रहता है, वो व्यक्ति हाथ ना उठाए, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हाथ ना, झूठ बोलने मतलब यह है जो मेरी बात से सहमत ना हो या जिसने किसी और सामाजिक संगठन राजनीतिक दल से वादा किया हो वो हाथ ना उठाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता समाज का कोई व्यक्ति खुद में गला नहीं महसूस करो, हाथ नीचे रखे। क्या आप सब भीम आर्मी में जा समाज पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार है? देखो मुझे कोई पिछले वाले नहीं है ना, मुझे हमारे दस नहीं है, पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो ये भीड़ में ना कुछ साठ मुझे नीचे लगे, नीचे हो गया, लेकिन मैं घर से कहता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ ना, गरीब मजदूर शोषित वंचित समाज से, उस समाज का आदमी ईमानदार है, उसने कहीं वाला कर रखा हो ना हाथ में खाया। मैं गौरवान हूँ तो आप पर भी कि आपने अगर वादा किया वादा पूरा करने की क्षमता रखते हैं, और गौरव है मुझे आप लोगों पर भी कि आपने एक वादा किया है इस व्यवस्था को बदलने का, कंधे से कंधा मिलाकर इस वादे को पूरा करने का काम करें। साथियों शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना, सब कुछ किया। मैं माननीय आके मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के भी सम्मान में दो शब्द कहूं कि साहब लोकतंत्र लोकतंत्र हो सकता है लोगों को समझने में समय लग गया, लेकिन जब इनकी समझ आ जाएगा तो आपकी तानाशाही शायद नहीं चल पाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि तानाशाही को नीचे कीजिए, लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र की व्यवस्था से ही बात कीजिए, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन है, इसने ना जाने कितने बनाए और कितनों को इसने मिट्टी में मिला दिया। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा, एक वादा और दे दो यार, आज ईमानदार से देना। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप उस काम को पूरा ना कर पाओ तो हाथ में उठाना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरे कितने साथी जो नशे से दूर रहेंगे, नशा छोड़ेंगे, ईमानदार साथ उठाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आपका, नीचे रह जाए। देखो यार ऐसा तो करना मत, ऐसा मत करना मेरे साथी, कि आप लोग जो है मुझे तो वादा करता है भैया वादा कर लिया घर जाकर नहीं सब काम करे। नहीं देखो ईमानदारी की बात है, इस नशे ने नाश किया है। एक जो व्यक्ति नशा ना छोड़ सकता हो ना मैं उसे परेशान नहीं रखता, लेकिन युवा शपथ ले लो संकल्प ले लो कि नशे की ओर नहीं बढ़ेगी, कुछ हो जाए नशा नहीं करेंगे। नशे करते ही बहुत सारी चीजें, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, कब नींद आती है पता भी नहीं लगता। सबसे बड़ा नशा, सबसे बड़ा आंदोलन का नशा, हम जैसे लोग पिटते हैं जेल जाते हैं, अभी दोनों भाई पिट करके एक एक डेढ़ महीना जेल रहे थे, पिटे भी जेल भी चले गए, ये देखो इसे कहते हैं नशा। वो नशा क्या, जो अब पिया या तो कहीं नाली में उतरेगा या सड़क गली खड़ंजे पर उतरेगा, वो नशा क्या, उसका क्या करना है? तो मुझे पूरी उम्मीद है जिन साथियों ने वादा किया वो नशे दूर रहेंगे। मैं अपनी माओ से भी कहूंगा आडंबर से बाहर निकले, बेटिया जो पढ़ाओ भाइयों से ज्यादा पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, कहीं दिक्कत आती हो भाई में मैसेज भेजो, अगर कोई भी ना सुनाओ किसी का भी फोन ले भाई फोन दे, एक मिनट का कह दो वीडियो भाई बीमारी वालों घर में पैसे की दिक्कत है, लड़की की फीस दी जा रही है, कोई परेशानी हो हम अपने आप जाएंगे सारा काम देखेंगे, लेकिन पढ़ाओ वाले को बच्चों को पढ़ाओ तभी उन्नति होगी। चलिए शुक्रिया सब लोगों ने मुझे सुना, कुछ इस बीच क्योंकि कड़वे शब्द बहुत कहे तमाम साथियों को, उनके लिए माफी चाहूंगा, भाई बुरा मत मानेगा, आप ये घर घर का बच्चा हूँ, चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं, साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं, कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आ रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आ रखते हैं।